दोस्तों, क्या गैलेक्सी जी फ्लिप 3 2022 का सबसे शानदार फ़ोन है? तो चलिए यही देखते हैं हम अपने वीडियो में। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी कॉन्शियसनेस में। दोस्तों, गैलेक्सी जी फ्लिप 3 लॉन्च हुई थी 2021 अगस्त में और आज भी ये फ़ोन उतनी ही वैल्यूबल है जितनी कि उस वक्त थी। दोस्तों, इस फ़ोन में कमाल कमाल के फीचर्स हैं, हाथों में देखने में ये फ़ोन बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी शानदार है। प्लास्टिक का फ्रंट है और पीछे ग्लास लगा हुआ, वो भी इसमें जो प्रोटेक्शन है उसका नाम है गोरिल्ला ग्लास विक्टस। जो पूरी फ्रेम है वो एल्युमिनियम की बनी हुई है, इसमें नैनो सिम लगती है और एक ई सिम लगती है। IP68 वाला वाटर रेजिस्टेंट भी है, यानी कि पानी में अगर डूब भी जाए तो इसे कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो है सुपर एमोलेड वाला शानदार 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। ये डिस्प्ले HDR10+ भी सपोर्ट करता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है, यानी कि तेज धूप में भी ये डिस्प्ले शानदार दिखता है। दोस्तों, डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है 6.7 इंचेस और इसमें जो रेजोल्यूशन है दोस्तों वो है 180x2640 पिक्सल का, जिसकी पिक्सल डेंसिटी होती है 426 PPI। ये जो स्क्रीन टाइप है दोस्तों वो है सुपर एमोलेड। दोस्तों, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड 11 पे था, पर आज ये एंड्रॉयड 12 पे अवेलेबल है और उसमें UI 4.1 रन कर रहा है। दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888, जो कि 5 नैनोमीटर वाला एक शानदार प्रोसेसर है, एक प्रीमियम चिपसेट है। इसमें गेमिंग के लिए एड्रेनो का 660 GPU लगा हुआ है। ये फ़ोन दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 128 GB और 8 GB रैम के साथ, या फिर 256 GB और 8 GB रैम के साथ। इसमें जो स्टोरेज टाइप लगा हुआ है वो है UFS का 3.1। इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो है 12 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल वाला एक सेंसर जो कि है 1.4 माइक्रोमीटर का, और जो दूसरा पिक्सल है वो भी है 12 मेगापिक्सल का। जो उसमें फ्रंट कैमरा लगा हुआ है दोस्तों वो लगा हुआ है 10 मेगापिक्सल का। जो बैक कैमरा है उससे आप 4K 60fps में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आगे फ्रंट वाले कैमरे से 4K 30fps में आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये फ़ोन बहुत ही शानदार है, इसमें 3.5 का कोई जैक नहीं है। आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और क्या आप इसका फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी सैमसंग का गैलेक्सी से फ्लिप 4 भी लॉन्च होने वाला है। जैसे ही वो फ़ोन लॉन्च होगा मैं उस फ़ोन पे अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।